शुभ संध्या। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास के 101वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सबके प्रेम और शुभकामना से ही और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से और हमारे इन दोनों सोसाइटीज़ के सहयोगियों के सहयोग से हम इस काबिल हुए कि ये 100 एपिसोड पूरे हुए, और आगे आपका की सहभागिता ऐसी बनी रहेगी तो और आगे भी गाड़ी चलती रहेगी। हम चाहेंगे कि आपकी सहभागिता बढ़े इसमें, और क्या सुधार आप चाहते हैं इसके हिसाब से हम उसे बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे आज फिर से नए सिरे से हम शुरू कर रहे हैं, और इस नए सिरे का खंड दो की प्रस्तावना या प्रीफेस, आपको आधी मेहनत तो सब्जेक्ट को जानने के बारे में करनी है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपको एक तो सही टीचर मिलने चाहिए, दूसरी बात यह है कि सही किताब आपके सिलेबस में लगी हुई हो, तीसरा जो सही टेक्निक है पढ़ाई का वो टीचर बताएं और आप उसे फॉलो करें। प्लस टू तक समस्या ये होती है कि आपके सिलेबस में एक किताब प्रिस्क्राइब रहती है और उसी किताब से टीचर पढ़ाते हैं, उसी से आपको पढ़ना है, और अब तो कई कंपटीशन उसी आपके प्लस टू के जो CBSE वाला सिलेबस है उसी पर बेस्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई कंपटीशन ऐसे हैं जिनमें आप अपने सिलेबस से बेस्ड रहेंगे तो 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हर कंपटीशन में 2-4-5% नए सवाल आते हैं। आप यदि इस बात पे सीमित करें कि पिछले 5 साल का 10 साल का हम क्वेश्चन का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लें तो आपको 100% सारे सवाल मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, उसमें सिर्फ 95-96% सवाल मिलेंगे। 2-4% सवाल हर कंपटीशन में नए आते हैं, और आपको यदि उस बैरियर को क्रॉस करना है तो फिर आपको टेक्स्ट बुक्स के संपर्क में रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने सिलेबस से दाएं बाएं की चीज़ों को भी, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। आधी मेहनत आपको सब्जेक्ट पे करना है और आधी मेहनत आपको विभिन्न कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से आते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। आधे घंटे तो आप सब्जेक्ट पढ़ें और उसके बाद आधे घंटे रोज 15-20-25 सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और कई कंपटीशंस में या तो 1, 2, 3, 4 उसमें ऑप्शंस रहते हैं या ABCD रहते हैं, उसमें कोई, अब दो बातें हैं, एक तो जनरल ये होता है कि कोई एक ऑप्शन सही रहता है तो आपको उसके लिए टिक करना है, या तो 1, 2, 3, 4 या ABCD है, या कुछ ऐसे कंपटीशन है जिसमें कि गोला बना हुआ है और आपको HB पेंसिल से ब्लैक एंड करना है उस गोले को। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं कि 4 आंसर्स हैं और उसमें से 3 सही हैं, क्वेश्चन ये है कि उसमें से कौन सा गलत है। इसके बाद अभी जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं कि 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, 1, 2, 4 ऑप्शन सही है, इस तरीके के आंसर, वहाँ आप थोड़ी सी लॉजिक अकल आपको लगानी पड़ेगी। आप यदि ट्रेडिशनल पढ़ाई की प्रैक्टिस से चलेंगे तो ऐसे सवाल में आपको परेशानी हो सकती है। जैसे हो सकता है कि आपके सिलेबस में नहीं हो ये, वैसे तो अधिकांश जगह के सिलेबस में है लेकिन हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो ट्रेंड चल रहे हैं पढ़ाई के, क्लासिफिकेशन का सिस्टम अब पुराना हो गया है, चलिए देखिए कितने साल हम ढो रहे हैं उसे। नई शिक्षा नीति आ गई है और नई शिक्षा नीति जिस दिन लागू हो जाएगी, इसी साल लागू होनी है, तो आपकी पढ़ाई का पैटर्न बदल जाएगा, टीचर्स को भी पैटर्न बदलना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी पैटर्न बदलना पड़ेगा। जैसे शुरू करें आप तो एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस के समय में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 भागों में बांटा था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैरोलस लीनियस ने मिनरल्स को भी एक थर्ड किंगडम में ग्रुप किया था। इसके बाद 1866 में अर्नस्ट हीकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स को एक अलग ग्रुप प्रोटिस्टा में अलग कर दिया। इसके बाद 1930 में फ्रेंच मैरीन बायोलॉजिस्ट एडवर्ड चैटन ने प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग कर दिया, और उसी के बाद 1938 में हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने किंगडम मोनेरा को अलग किया, और किंगडम मोनेरा को अलग करने के बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। इसके बाद 1969 में आरएच वाइटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने फंजाई को भी अलग कर दिया क्योंकि फंजाई सिनोसिटिक होते थे। इसके बाद 1990 में कार्ल वूज, ओ कैंडलर और एम एल विलिस ने एक नया क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन डोमेन्स में और छह किंगडम में डिवाइड किया। तीन किंगडम कौन कौन थे? यूकेरिया, बैक्टीरिया और आर्ची। इन्होंने आर्ची बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या बीपीएलओ वगैरह को एक अलग ग्रुप में अलग किया, बैक्टीरिया से अलग, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टर्स अलग थे नॉर्मल बैक्टीरिया से। और यूकेरिया में फिर बाकी चार किंगडम्स थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है, जैसे कोई चीज़ है और उससे जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है हमारी आँखों की तरफ, अब आप देखें यहाँ पे कि हमारी आँख जो है, कोई बड़ा से बड़ा चश्मा या बड़ा से बड़ा हम लेंस लगा दें, उस ऑब्जेक्ट से जितनी चारों तरफ वेव्स निकल रही हैं, लाइट वेव्स, उन लाइट वेव्स का जो थोड़ा सा हिस्सा ही हमारी आँखों तक पहुँच रहा है, और इस हिस्से को न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। इसी बात से जुड़ी हुई एक और चीज आई कि हर ऑप्टिकल सिस्टम की एक निश्चित सीमा होती है, मिनिमम साइज लिमिट, जो उस सिस्टम के द्वारा देखी जा सके। जैसे हमारी आंख की, ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन लिमिट 0.1 मिलीमीटर है। अब एक चीज है रिजोल्यूशन लिमिट और एक चीज है मैग्नीफाइंग पावर, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सामान्यतः हम लोग माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं कि इतने गुना ज़्यादा बढ़ा करके दिखाता है, और दूसरे ये पैमाना यह है कि वो छोटी से छोटी चीज़ जो उस ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा दिखाई दे सके उसे उसकी रिजोल्यूशन लिमिट कहते हैं। जैसे हमारी आँख 1/10 मिलीमीटर से छोटी चीज़ों को नहीं देख सकती है, या इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 1/10 मिलीमीटर से कम है तो हमें वो एक ही बिंदु दिखाई देंगे। अब ये रिजोल्यूशन लिमिट जो है ये बराबर होता है 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल एपर्चर, और ये न्यूमेरिकल एपर्चर होता है n साइन अल्फा के, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यदि एयर है या ग्लास है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट इस लेंस पर जो थोड़ा सा हिस्सा है न्यूमेरिकल एपर्चर, इसका ये जो हिस्सा है ये इस एंगल को अल्फा कहते हैं, और इसके साइन को, साइन अल्फा को न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। ये मेजर करने का तरीका है। तो इसी तरीके से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं उसकी रिजोल्यूशन लिमिट करीब 2320 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि उससे बड़ी चीज़ तो हमें दिखाई देगी, उससे छोटी चीज़ नहीं दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट करीब 1 एंगस्ट्रॉम होती है। हालांकि बहुत से मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिकुलर आर्किटेक्चर है, जैसे डीएनए का, या तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न यूज किया जाता है उसके लिए। एक बात तो ये, तो फिर इसके बाद
जैसे सेल, सेल एक तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक यूकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सिर्फ एक कॉइल्ड कॉइल डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। एक बात, अब बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेलुलोज पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि चार दीवारी का काम करती है। अब यहीं पर एक बात समझ लीजिए, प्लांट सेल्स में इस सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और सेलुलोज की सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेलुलोज पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होती है। अब आपकी किताबों में इतनी बात, इतनी ही कहानी लिखी हुई है, अब हम क्या करें, हम मजबूर हैं। आपकी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि एनिमल सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, लेकिन वो अलग अलग केमिकल कंपाउंड से बनी होती है। इसी के बेसिस पे उसे कभी पेलिकल कहते हैं, कभी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, कभी ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, कभी एक्स्ट्रानियस कोट कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में सेलुलोज की सेल वॉल उसके चारों तरफ होती है, बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल सेलुलोज या पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ अधिकांश एनिमल सेल्स में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर के बनी होती है। आप यदि किसी भी टेक्स्ट बुक को उठाएंगे, चाहे डी रॉबर्टिस की सेल बायोलॉजी को, चाहे आर्थर सी गीज की सेल फिजियोलॉजी को, तो आपको पता चलेगा इस बारे में कि हाँ, एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, वॉन मोहल और परकिंजे ने तो बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा था। एक और वर्ड है, और दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। एक तो होता है प्रोटोप्लास्ट और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल्स में जो सेलुलोज की सेल वॉल आप हटा दें तो उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट, PROTOPLAST। सेलुलोज की सेल वॉल को हटा दीजिए तो उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो लिविंग मटेरियल है, उन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। लेकिन एनिमल सेल्स में और जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिविंग मटेरियल है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो वॉन मोहल और परकिंजे ने तो प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने कहा था कि यही प्रोटोप्लाज्म जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। लेकिन फिर बाद में पता ये चला कि लिक्विड मटेरियल में न्यूक्लियस के अंदर जो होता है लिक्विड मटेरियल, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट? फिर एक और कंसेप्ट नया आया, अब साइटोप्लाज्म भी नहीं माना जाता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गॉल्गी बॉडी भी है, लाइसोसोम भी हैं, राइबोसोम्स भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको हटा दीजिए तो जो लिक्विड बचता है उसको अब क्या कहते हैं, साइटोसॉल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स।
अब ये फिर पता चला है कि इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी कुछ बहुत छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। अभी तक उन माइक्रोट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को सेपरेट करने का सिस्टम शायद नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि अभी 2-4 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को अलग कर दीजिए तो जो बाकी बचा हुआ साइटोसॉल है उसके लिए कोई और नया वर्ड इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में एक ये समस्या रही है कि रिसर्च में और इंडस्ट्रीज में जो चेंजेस होती हैं वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में आते आते 15-20 साल लग जाते हैं, जबकि इस गैप को कम करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज का होने वाला जो प्रभाव है या फिर रिसर्चेज जो हो रही हैं वो जल्दी से जल्दी सिलेबस में और पढ़ाई लिखाई में आ जानी चाहिए। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको आधा मेहनत जो है पढ़ाई पर करनी है और आधा मेहनत क्वेश्चन आंसर पर करनी है। तो क्वेश्चन आंसर की भी थोड़ी प्रैक्टिस आज से मैं आपको शुरू कराऊंगा। एक सवाल अभी है, कभी किसी जगह पूछा गया, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूकेरियोट। अब वैसे तो पूछा जाता है कि प्रोकेरियोट कौन सा है, यहां पे यूकेरियोट कौन सा है, यूकेरियोट नहीं है यानी कि प्रोकेरियोट। तो प्रोकेरियोट इनमें से कौन सा है? आपके सिलेबस में ये नहीं है, हो सकता है 10+2 के सिलेबस में नहीं हो, लेकिन कंपटीशन में पूछा गया है। इसका जवाब है फिर एनाबेना। एनाबेना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसी तरह से जैसे एक सवाल ये है कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति में किस तरीके के सवाल आते हैं शुरू शुरू में, उसी तरीके के एक सवाल किसी कंपटीशन में पूछा गया है, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चेंज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग्स, नंबर 1 माइकोप्लाज्मा, नंबर 2 ऑस्ट्रिच एग्स, नंबर 3 ह्यूमन आरबीसी, नंबर 4 बैक्टीरिया। ऑप्शंस कौन कौन से हैं जरा ये देखिए, अब ये क्वेश्चन का नया स्टाइल है। नंबर 1 में सेकेंड 1, 3 एंड 4 सेल के साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से बनाना है। अब आप सोचिए कौन सा सही होगा। सेकेंड में ये है कि सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। डी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसका आंसर ये है सी। सबसे पहले क्या है? माइकोप्लाज्मा, फिर उसके बाद बैक्टीरिया, फिर उसके बाद ह्यूमन आरबीसी और फिर ऑस्ट्रिच एग। इसी तरह से एक और सवाल है, निगेटिव क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स। एक फीचर है जो प्रोकैरियोट्स और बहुत सारे यूकैरियोट्स में कॉमन है। अब ये चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ए बी सी डी। नंबर 1 सेल वॉल प्रेजेंट, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सब सेलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। अब यहां इसका आंसर है थर्ड का, ए सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स में भी होता है और बहुत सारे यूकैरियोट्स में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए। यहां देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, होता है नहीं बताना है आपको, जो नहीं होता वो बताना है। मेम्ब्रेनस बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इट हैज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, एंड नंबर डी इट हैज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब यदि आपने ये पढ़ा है कि 70S, 80S और 55S राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है, तब तो आप इसे कर लेंगे। इसका सही जवाब है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो 55S वाला होता है, 80S यूकैरियोट में होता है नॉर्मल सेल में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है राइबोसोम वो 55S है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ट्रू। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से आते हैं, और आपको पढ़ना नहीं उसे, आपको यदि कंपटीशन में 2.5 घंटे में 150 मिनट में 150 सवाल आते हैं, एक सवाल के लिए आपके पास 1 मिनट है, तो आप क्वेश्चन सामने रख लीजिए, एक ब्लैंक ओएमआर शीट या आंसर शीट अलग रख लीजिए और उतने ही समय में करने की कोशिश करिए, देखिए आप उतने निर्धारित समय में कितने सवाल को कर पाते हैं। तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप निर्धारित समय में सवालों को पूरा कर पाएंगे, और फिर मेरी शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधस्, उठो जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो आज की मुलाकात बस इतनी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।